नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों, आज जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है ACL। ठीक है, ACL को कैसे लगाया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो ACL है उसके बारे में जानते हैं कुछ। ठीक है, ACL क्या होता है? ACL इज़ मेनली यूज टू असाइन परमिशंस। ये परमिशन लगाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ऑन एनी फाइल्स एंड डायरेक्ट्री। किसी फाइल एंड डायरेक्ट्री पे हमें परमिशन लगाने के लिए ACL का यूज होता है, विद एनी स्पेसिफिक यूज़र नेम और एनी ग्रुप नेम। इसका मतलब अगर हम कोई स्पेसिफिक यूज़र को, माने एक पर्टिकुलर कोई यूज़र है, उसको एक पर्टिकुलर हमें कुछ सर्विसेज देनी है, कुछ परमिशन देने हैं केवल उस यूज़र के लिए या केवल एक ग्रुप के लिए, तो उस कंडीशन में हमें ACL का यूज़ करना होगा। उस समय हम ACL का यूज करके उस ओनली एक बंदे को हम कुछ परमिशन जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ओके, सो इसके लिए दोस्तों जो कमांड यूज की जाती है वो सेट FACL और दूसरी होती है गेट FACL। सेट FACL मीन्स क्या होता है कि जो परमिशन हम सेट कर, जो हम यहाँ पे कमांड सेट करते हैं जिस भी यूज़र पे सेट करनी है, वो सेट FACL से हम ACL को लगाते हैं, ठीक है। और गेट FACL से हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में, ठीक है, कोई और किसी पे ACL लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ओके, सो ये आज हम इसमें जानेंगे, इस वीडियो में ये सीखेंगे। और जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका जो एक इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट किया वो किस प्रकार होगा, देखो हम इस तरीके से इस पे, आप देखो जैसे ये दो मेन इंपॉर्टेंट पे बेस्ड होता है, एक यूज़र बेस्ड और ग्रुप बेस्ड। मतलब कि ACL आप किसी अगर यूज़र पे लगाना चाहते हैं पर्टिकुलर, या किसी ग्रुप पे लगाना चाहते हैं, ठीक है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जैसे मान लीजिए जो मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, एक यूज़र बेस्ड है और दूसरा ग्रुप बेस्ड। पहले हम बात करेंगे यूज़र बेस्ड पे। हम जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन यूज़र हैं, पहला हैरी है, दूसरा नताशा और तीसरा सरा। तो पहले हम हरी पे ACL लगाएंगे, ठीक है, और मैंने उसकी परमिशन भी दी है उसको, जिस फाइल पे, जिस डायरेक्टरी को हम क्रिएट करेंगे, जिस पे परमिशन चलेंगी उस पे उसे कोई भी एक्सेस नहीं होगा, या इसका मतलब आप जानते हैं। ओके, और नताशा आर केवल रीड कर पाएगी और सरा RWX रीड भी कर पाएगी, राइट भी कर पाएगी और एग्जीक्यूट भी कर पाएगी। इसी प्रकार हम उसके बाद जानेंगे कैसे हम ग्रुप पे ACL लगाते हैं। और ग्रुप पे जो हमारा ACL लगेगा, हमारे पास दो ग्रुप होंगे, एक Wipro1 और एक Wipro2। Wipro1 के हमारे दो यूज़र हैं, एक W1 और एक W2, और Wipro2 के भी हमारे दो यूज़र हैं, एक है W3 और एक W4। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक पे या दोनों पे ACL लगाएंगे और चेक कर उनको भी एक सर्विस देंगे। जैसे मान लो मैं Wipro1 पे जो हम ACL लगाएंगे वो हम इनको क्या परमिशन देंगे कि इसके जितने भी यूज़र हैं वो केवल रीड कर पाएँ, ओके, और कुछ भी ना कर पाएँ। और अगर हम Wipro2 की बात करें, Wipro2 को जो हम सर्विस देंगे, एक मिनट, Wipro2 जो हम सर्विस देंगे वो केवल हम इन्हें R और X के देंगे, ओके। और यहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूज़न के कंडीशन, सॉरी, इसे मैं स्पेस कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारा इन्वायरमेंट क्या है, ये हमें आज प्रैक्टिकली इसे कंप्लीट करना है। तो इसके लिए चलिए हम अपने सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने सिस्टम पे पहुँच चुके हैं, इसे लॉगिन करते हैं। चलिए हम लॉगिन हो गए, ये मेरी पुरानी कमांड्स चल रही थी। चलिए हम टर्मिनल ओपन करते हैं सबसे पहले। टाइम ओके, तो हमने टर्मिनल ओपन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें तीन यूज़र बनाने हैं। पहला हमें यूज़र ऐड करना है, यूज़र ऐड HARRY हैरी। पासवर्ड, हैरी को पासवर्ड दे दो, 123123, ठीक है। इसी प्रकार से हमने दूसरा यूज़र, यूज़र ऐड NATASHA नताशा, और
पासवर्ड NATASHA, ठीक है, नताशा को भी पासवर्ड दिया हमने, ओके तो हमने नताशा को भी पासवर्ड दिया। अब तीसरी जो हमारी यूज़र है वो है यूज़र एट SARAH सरा, और इसको हमने पासवर्ड दिया PASSW पासवर्ड SARAH को भी हमने पासवर्ड दे दिया, ओके ठीक है दोस्तों। अब हमें ACL को यहाँ पे लगा, अब हमें एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिस पे हमें ACL लगाना होगा, ओके तो मान लीजिए पहले हम चेक करते हैं, हम कुछ एक कंटेंट बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डायरेक्टरी है MKDIR ETC5, याद रखिएगा ETC5 नाम की एक डायरेक्टरी बना रहे हैं। अब हमें इसमें कुछ डेटा कॉपी करना है, और जो डेटा हम कॉपी करेंगे वो ETC का करेंगे, ठीक है। तो CP ETC का हम डेटा उठाएंगे और किस पे कॉपी करेंगे, ETC5 पे, डन। ETC5 कॉपी और सिंक से ले लेते हैं, RSYNC sync -AVH, ओके डेटा किसका जाएगा, क्या कर दिया, डेटा हमारे जाएगा ETC का, किस पे जाएगा, ETC5 पे, ओके तो ये हमारा डेटा कॉपी हो रहा है। और फिर जो फाइल हमने बनाई ETC5 उस पर हम सर्विस देंगे, उस पर हम ACL लगाएंगे कि उस डायरेक्टरी में किस किस को एक्सेस देना है, किस पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना है और किसको एक्सेस नहीं देना है, ओके तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे दो हमारी कमांड यूज होती है, एक सेट SETFACL और दूसरी गेट GETFACL, ओके तो हम यूज़ करेंगे पहले SETFACL का। SETFACL का यूज़ हम करेंगे ACL को क्रिएट करने में, ACL को लगाने में, ठीक है। और इसमें जो ACL लगता है हमें हर यूज़र के लिए लगाना, पहले हमें जैसे हरि को जो सर्विस देनी है, जो हमें परमिशन अलाउ करनी है उसका लगेगा, उसके बाद हम इसी तरीके से अगेन हमें SETFACL का यूज़ नताशा के लिए करना पड़ेगा, इसे हर एक बार अलग अलग यूज़र के लिए हमें करना पड़ेगा, उसी प्रकार ग्रुप में भी करना पड़ेगा। तो पहले हम चलाएंगे किसमें, यूज़र के लिए, तो चलिए पहले हम बात करते हैं हैरी का, ठीक है। पहले हम उससे परमिशन चेक कर लेते हैं उसमें क्या क्या परमिशन है, कौन से उस फाइल में, और उस फाइल में डेटा आया या नहीं आया, ओके इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम चलेंगे पहले चेक करते हैं वो फाइल कहाँ पर है, वो फाइल है आपकी ATC5, ये फाइल है, ठीक है, इसमें अंदर डेटा आ गया। देखो ये LS की हमने लिस्ट, ये फाइल का ना सॉरी ये डायरेक्टरी थी, इस डायरेक्टरी अंदर ये डायरेक्टरी आ गई, ठीक है, ATC, अगर इसके अंदर सारा डेटा आ गया होगा, अगर मैं इसकी परमिशन चेक करता हूँ LS-LD ATC5 और ETC, देखो दोस्तों हमें ये है, ये जो फाइल कॉपी सॉरी ये जो डायरेक्टरी कॉपी हुई है ना, इसकी जो परमिशंस ऑलरेडी वो है वो ये है, जो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन है वो है RWX है रूट को, क्योंकि रूट इसका ओनर है, ठीक है, और R-X जो ये वाला है ये है इसका ग्रुप ओनर, और R-X जो है ये आपका अदर के लिए परमिशन है, ओके तो अभी इसमें कोई भी ACL नहीं लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे ACL होता है यहाँ पे शो होगा, ठीक है, वो हम अभी कन्फर्म करेंगे। पहले चेक कर रहे हैं इस कन्फर्म करते हैं इस डायरेक्ट्री में, इस वाली डायरेक्ट्री में ACL लगा है या नहीं लगा है कमांड के थ्रू, ओके इसके लिए हमें जो कमांड देनी होगी GET FACL। तो दोस्तों देखो हमारा मोटिव क्या है, यहाँ पे हमारा मोटिव ये है, जो हमने जो फाइल सॉरी जो डायरेक्टरी कॉपी कर रखी है ETC5 के अंदर, जो ETC है इस पे जो ये डायरेक्टरी है ना, इस पे हमें यूजर्स को जो पर्टिकुलर यूजर हैं हैरी नताशा और वो सारी परमिशन इस पे अलाउ करनी है, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे इस वाली डायरेक्टरी में किसी को ACL प्रोवाइड है या नहीं है, तो इसके लिए GET FACL ETC5 और ETC एंटर कीजिए। यहाँ पे किसी को भी ACL प्रोवाइड नहीं है, देखो फाइल ये ऑनर रूट है इसका, ग्रुप भी रूट है, और यूजर RWX यूजर सारे यूजर्स को एक ही सर्विस मिली हुई है, और ग्रुप को R-X के और अदर को R-X, कोई भी ACL अभी अलाउ नहीं है, ओके तो अब चलते हैं जो हमने
जो ये इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि फ़ाइल कौन सी है। फाइल जो हमारी है, सॉरी ना, डायरेक्टरी जिस पे हमें ये सारे प्रोसेस करनी है, वो है etc फाइल etc। हमें इस डायरेक्टरी पे सर्विस को अलाउ करना है, ये डायरेक्टरी का मैटर है, इस पे है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट facl, ओके, सेट facl करने के बाद हाइफन m लगाएंगे, फिर उसके बाद यू क्योंकि यूजर पे लगा रहे हैं, डबल कॉलन, एंड h यूजर का नाम, ओके, अगेन, एंड देन क्या सर्विस हमें उनको प्रोवाइड करनी है, हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड करनी है, क्या परमिशन देनी है, हैरी को देना है XXX, हैरी ट्रिपल हाइफन कुछ भी नहीं, इसको सारी सर्विसेज से हटा देनी है, तो तीन बार हाइफन लगा देना है, उसके बाद स्पेस देना है और उस फाइल का लोकेशन देना है, रूट में etc फाइव के अंदर वो फाइल है, उस डायरेक्टरी का लोकेशन etc फाइव के अंदर etc डायरेक्टरी है, ओके, और एंटर कर देना है। उसके बाद हमें देखना है अब नताशा के लिए, सेट facl हाइफन m यू सेम प्रोसेस nataash नताशा, और इसको क्या परमिशन देनी है, हमें चेक कर लेते हैं एक बार अपने r hyphen, मतलब केवल इसे रीड की परमिशन देनी है, ओके, अगेन उस फाइल का लोकेशन etc फाइव के अंदर डायरेक्टरी है, ठीक है, etc फाइव के अंदर स्लैश etc जो डायरेक्टरी उस पर, और अगेन आपको सराह के लिए set facl hyphen m यू एंड यूजर नेम sarah सरा, ओके, और इसको जो सर परमिशन देनी है वो देनी है r-x की, और चेक कीजिए, हाँ नहीं, इसे सर्विस इसे जो परमिशन दी है वो rwx की, फुल सर्विस को प्रोवाइड करनी है, ओके, उसके बाद टैब और फाइल का लोकेशन जहाँ पे फाइल है, रूट में etc फाइव के अंदर, सॉरी फाइल नहीं है, ओ माय गॉड, फाइल है जो डायरेक्टरी है उसका, ठीक है, etc फाइव के अंदर जो डायरेक्टरी रखी है उस पर, ओके, और इसे भी एंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ तक मैं आपको एक बार बता दूँ, सेट facl हाइफन m, ओके, यू मीन्स यूजर, हैरी यूजर नेम और ये उसकी परमिशन, और etc फाइव के अंदर etc जो डायरेक्टरी रखी है उस पर, ओके, ये डायरेक्टरी की लोकेशन है, और ये हम acl क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्मल है, और ये परमिशन, ये यूजर नेम, और ये यू मतलब कि आप यूजर पे दे रहे हो, ओके, तो ये आपका इतना कंप्लीट। अब आपको एक बार चेक करना है कि अगर कोई वहाँ पे कोई उस डायरेक्टरी की जो हमने यहाँ पे चेक किया था ना, ये वाली कमांड हमें दोबारा चलानी है, और इस पर अब चेक करना है कि अब कोई acl शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हमने acl अभी लगाया, ls हाइफन ld etc 5 etc, देखिए इस डायरेक्टरी पे अभी acl लग चुका है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, ये जो प्लस है ये यहाँ पे डिनोट करता है कि आपने इस डायरेक्टरी पे acl लगाया हुआ है, ओके, तो हमने इस पे acl लगाया। और अगर आपको चेक करना है acl इस पे चेक करना है, तो इसके लिए भी एक कमांड है, यहाँ पे क्या कमांड चलानी है आपको, आपको चलानी है गेट facl डायरेक्ट्री का पाथ etc 5 और उसके अंदर etc और एंटर कर दीजिए, ओके, एंटर करने के बाद क्या होगा, जैसे आपने एंटर किया ये बताएगा फाइल का, जो फाइल दिखा रहा है, ठीक है, etc 5 इसके अंदर रखी हुई है, ऑनर आपका रूट है, ग्रुप आपका रूट है, ओके, यूज़र rwx, यूज़र हरी को ये सर्विस प्रोवाइड, ये परमिशन प्रोवाइड है, नताशा को ये परमिशन प्रोवाइड है, शराह को ये परमिशन, और ग्रुप ये हो गया मास, मतलब यहाँ पे कि हाईली जो परमिशन प्रोवाइडेड वो rwx की है, ठीक है, और अदर को ये परमिशन है। तो इस तरीके से आप acl लगाते हैं किसी डायरेक्टरी पे या किसी फाइल पे, ओके, और हमने एक तो ये टास्क कम्प्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास दो ग्रुप हमने बनाने हैं और ग्रुप में जो यूजर है ना, इनको भी acl में लाना है। हमें आप
इस जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्ट सॉरी इस जो आपका क्या है ये ग्रुप है, इस ग्रुप में हमें क्या ए सी एल लगाना है आर हाइफन हाइफन का, कि केवल इस ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे वो ये वाली सर्विस, ये वाली परमिशन लेंगे उस डायरेक्टरी के लिए। ओके सो चलिए ये पहले, सबसे पहले आप ग्रुप क्रिएट कीजिए। और ग्रुप ग्रुप क्रिएट करने के लिए जी आर ओ यू पी ग्रुप एड विप्रो डब्ल्यू आई पी आर ओ विप्रो वन, ठीक है विप्रो वन मैंने ग्रुप क्रिएट किया। अब देखो दोस्तों ग्रुप एड द जो ग्रुप विप्रो वन है हमारा, उसमें हमें दो यूज़र भी क्रिएट करने हैं, ठीक है। और चलिए यूज़र क्रिएट करते हैं, यूज़र एड एज ए सेकेंडरी, ओके यूज़र एड हाइफन कैपिटल जी डब्ल्यू आई पी और विप्रो वन और क्या नाम है डब्ल्यू वन, ओके और एंटर कर देना। ये हमारा पहला यूज़र क्रिएट हो गया और पहला यूज़र हमारा ऐड हो गया किसमें, ग्रुप विप्रो वन में। दूसरा यूज़र यूज़र एड हाइफन कैपिटल जी ग्रुप नेम ग्रुप वन डब्ल्यू टू, ये हमारा दूसरा ग्रुप भी ना ग्रुप में दूसरा यूज़र भी ऐड हो गया। ओके तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों इस ग्रुप में, चलिए पहले दूसरा ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं, जी आर ओ यू पी ग्रुप एड विप्रो टू, ठीक है विप्रो टू ऐड हो गया। अब इसमें भी दो यूज़र क्रिएट करो, यूज़र ऐड हाइफन कैपिटल जी विप्रो टू और इसमें जो यूज़र बनाने हैं आर डब्ल्यू थ्री, ठीक है और दूसरा यूज़र बनाना इसमें हमें डब्ल्यू फोर का, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रुप ऐड किए दो विप्रो वन और विप्रो टू और दोनों में हमने दो दो यूज़र क्रिएट किए। पहला जो ग्रुप है उसमें विप्रो वन, उसमें दो यूज़र हैं हमारे पास विप्रो डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू, और दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास उसमें डब्ल्यू थ्री और डब्ल्यू फोर हमारे दो यूज़र उसमें भी है, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ए सी एल लगाना है ग्रुप वन में और ग्रुप टू में, मतलब पहले ग्रुप विप्रो वन में भी हमें ए सी एल लगाना है और दूसरे विप्रो टू में भी ए सी एल लगाना है। और इसमें क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है जो हमने यहाँ पे पहले फाइंड किए थे, ठीक है। यहाँ पे हमें देना है आर हाइफन हाइफन, मतलब केवल रीड की परमिशन देनी है विप्रो वन के मेंबर्स को। चलिए ये करते हैं, इसके लिए दोस्तों क्या कमांड आएगी, सेट एफ ए सी एल ओके हाइफन एम। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हम आगे यू का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे जी का यूज करेंगे क्योंकि हम ए सी एल ग्रुप पे लगा रहे हैं, ओके जी एंड देन ग्रुप नेम क्या है विप्रो वन और क्या सर्विस देना चाहते हैं हम, क्या परमिशन देना चाहते हैं आर हाइफन हाइफन, केवल आर की परमिशन, केवल रीट की परमिशन हमें यहाँ पे देनी है। और कौन सी डायरेक्टरी है, ई टी सी फाइव के अंदर है ई टी सी, ओके और आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, दूसरे वाले ग्रुप का भी को भी प्रोवाइड करना है, सेट एफ ए सी एल हाइफन एम जी ओके और ग्रुप का नाम विप्रो टू ओके। और क्या सर्विस देनी है हमें यहाँ पे, लेट्स चेक वंस, यहाँ पे हमें देना है आर हाइफन एक्स का, ओके यहाँ पे देनी है हमें आर हाइफन एक्स, इसका मतलब दोस्तों आर हाइफन एक्स, इसका मतलब जो हमें इस ग्रुप के मेंबर्स को, इस ग्रुप में जो ए सी एल लगा रहे हैं उसको केवल रीड की परमिशन दे रहे हैं और एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहे हैं, हम वहाँ पे कोई भी इनको राइट की परमिशन नहीं दे रहे हैं, ओके ई टी सी फाइव और उसके अंदर ई टी सी नाम का फोल्डर है, ओके और एंटर कर दो। सेट एफ ए सी एल एफ एन एम जी डब्ल्यू ओके वी डिड समथिंग रॉन्ग ओवर हियर विप्रो, ठीक है और एंटर कर दो, ओके वो एक एक्चुअली यहाँ पे ग्रुप का नाम थोड़ी गलत आ गया था। तो दोस्तों अगेन हम चेक करते हैं कि उस डायरेक्टरी में गेट क्या ए सी एल किस तरीके से लगा हुआ है, उसके लिए गेट एफ ए सी एल, गेट एफ ए सी एल करके और डायरेक्टरी ई टी सी फाइव में ई टी सी नाम से, ठीक है और एंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है हमें, ऑनर रूट है इस फाइल का, ये है फाइल, ये है हमारी ये फाइल है ओके, ऑनर इसका रूट है
ग्रुप इसका रूट है, और यूज़र हो गया, यूज़र को परमिशन है RWX की, यूज़र हैरी को कुछ भी अलाउ नहीं है, न तो आर न तो डी न तो आर न तो डब्ल्यू आर न तो एग्जीक्यूट की, ठीक है। नताशा को केवल रीड की परमिशन अलाउ है, और सराह को RWX रीड भी है राइट भी और एग्जीक्यूट की परमिशन भी अलाउ है, और ग्रुप में देखो R-X की परमिशन है। ग्रुप वन जो है पहला ग्रुप है जो हमारा विप्रो वन है उसको केवल रीड की परमिशन अलाउ है, और विप्रो टू को हमारी R-X मतलब रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन अलाउ है, ठीक है। और मार्क्स आपका जैसे कि है जो अभी यहाँ पे सबसे ग्रेटर आपकी परमिशन है वो यहाँ पे शो होती है, और अदर को यहाँ पे रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन अलाउ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी डायरेक्टरी में या किसी फाइल में हम ACL लगाते हैं, और उस डायरेक्टरी को किस किस से एक्सेस देना है, ओके, किसी एक पर्टिकुलर यूजर को कितना एक्सेस उस पर देना है, और इसी पर्पज़ के लिए हम ACL का यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट आप इसमें ज़रूर दीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू एंड जय हिंद।